गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गुड़िया। सो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, यूजफुल होने वाला है। अभी तक हमने बात किया है अपने हेयर के प्रॉब्लम्स के बारे में, बहुत सारे प्रॉब्लम और ये वो का मैंने सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल स्किन के बारे में। यस, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने स्किन का कैसे देखभाल कर सकते हैं, कैसे उसको पैम्पर कर सकते हैं, कैसे उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं। क्योंकि मैंने जो है ना बहुत सारी गलतियाँ की है। मुझे क्या हुआ था ना, स्टार्टिंग में जब एक्ने प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उससे मैंने इतना छेड़छाड़ किया, जो दो एक्ने थे वो 4 में बदल गए, 10 में बदल गए, 15 में बदल गए, 20 में बदल गए। तो मैं नहीं चाहती कि आप सब ये गलती करें, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए जो है पर्टिकुलर स्किन के बारे में आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि टू नो योर स्किन। यस, आप अपने स्किन को सबसे पहले से पहचानें, क्योंकि स्किन जो है बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑयली होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं, ड्राई होते हैं, और उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं। यस, सिर्फ एक्ने ही प्रॉब्लम नहीं है, एक्ने के बाद में ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उसके अलावा जो होते हैं क्लॉक पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, किसी की बहुत ईची स्किन होती है तो रैशेस वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम है पहले आप उसको जानिए। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि पहले आप उसे पैच टेस्ट कीजिए। हो सकता है कई बार वो प्रोडक्ट आपको 2-3 दिन सूट कर जाए पर तीसरे दिन के बाद वो आपको सूट नहीं करता, ये ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ तो हो चुका है। तो सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपके स्किन में सूटेबल है या नहीं, इसके लिए आप पहले पैच टेस्ट कीजिए। और दूसरी बात, जिनको एक्ने का बहुत ज़्यादा इश्यू है, सबसे पहले तो अगर आपको 2 या 3 या 4 एक्ने के प्रॉब्लम है तो आप उसे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो बहुत नेचुरल प्रॉब्लम है और हर किसी के होते हैं। तो आप उसे छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि अगर आप उसे प्रिक करेंगे, उसे दबाएंगे या छेड़छाड़ करेंगे तो एक्ने जो है आप और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वो 4 से 8 बन जाएगा, 8 से 10 बन जाएगा। इसीलिए आप उसको एकदम ध्यान देना छोड़ दीजिए, मिरर देखना छोड़ दीजिए। यस, मिरर रिफ्लेक्शन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जाके बार 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 मिरर देख रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हम लोग उसको इतना ध्यान देते हैं और उसको जाके यू नो मतलब उसके पीछे लग जाते हैं। अगर आपको एक एक्ने है ना, उसको इतना दबाएंगे या उसको उसका हम लोग को लगेगा वो जल्दी ठीक हो, वो ठीक नहीं होता, ऊपर से वो और 2 से 4 बन जाएगा। इसीलिए अगर आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 या 3 एक्ने का प्रॉब्लम है उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं एक्ने के तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। यस, आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको सही सजेशन देंगे, क्योंकि एक्ने के टाइप भी बहुत अलग अलग होते हैं। कभी कभी यू नो ड्राई स्किन में भी एक्ने, मोस्टली बोलते हैं कि हमको ऑयली स्किन में एक्ने होता है, और कई लोग दाने को भी एक्ने समझ लेते हैं। कई लोगों की जो छोटे छोटे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स होते हैं उसको भी एज ए एक्ने ट्रीट करते हैं। तो आप इतना सब कुछ जद्दोजहद या मशक्कत उस एक्ने के पीछे करने से अच्छा है आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही सजेशन देंगे, सही चीज़ें बताएंगे कि आपको कौन सा एक्ने है, क्योंकि आपको फंगल है, बैक्टीरियल है या सिस्टिक है। क्योंकि एक्ने जो होते हैं ना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। यू नो एक बार मुझे क्या हुआ था ना कि स्टार्टिंग में एक्ने हुआ और मैंने कहीं से ऐसा DIY देखा कि लहसुन को आप उसको पेस्ट बना के आप अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने से मेरे एक्ने के साथ साथ यू नो क्या हुआ, मेरी पूरी स्किन ही जल के निकल गई थी। तब उस टाइम फिर मेरी मम्मी ने मुझे तुरंत डॉक्टर के पास भेजा और उन्होंने जो मुझे सजेशन दिया ना, मैं आज तक वो फॉलो करती हूँ। उसके बाद में भी मुझे बहुत सारे एक्ने प्रॉब्लम्स हुए हैं, अभी भी मुझे बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं, बट मैं उसको वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मुझे उन्होंने बताया है। और इन सब के बीच में जो है स्किन का, यस, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो
मेजर जो चीज है मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, बट सबसे जो मेजर चीज है आपको इंटरनली क्लीन होना है। यस, आपको अपनी बॉडी को जो है डिटॉक्सिफाई करना है। अगर आप उसे इंटरनली क्लीन रखेंगे तो आपका बॉडी जो है बाहर से डेफिनेटली ग्लो करेगा ही करेगा। इसके पहले मैंने एक वीडियो में इम्यूनिटी ड्रिंक बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए। उसमें जो मैंने कच्ची हल्दी यूज़ की है उसमें भी मैंने बोला था कि वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे इंटरनली क्लीन करता है, तो वो ड्रिंक भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अभी आपको एक ग्लो ड्रिंक बताने वाली हूँ जिसको आप 1 वीक यूज़ कीजिए और इससे अपनी बॉडी को धीरे धीरे इंटरनली क्लीन कीजिए। उसके बाद में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको धीरे 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 बताऊंगी और उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले आप ये 1 वीक तक ये वाला जो मैं बता रही हूँ आपको ग्लो ड्रिंक वो पीजिए, क्योंकि ये जो ग्लोइंग स्किन के लिए है ये ड्रिंक, और इसमें अभी आपको फेस पे कुछ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो यूज़ कर रहे कीजिए, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ आपको ये आप अगर पियेंगे तो आपकी स्किन में धीरे धीरे ग्लो ऑटोमेटिक आएगा और आपको लगेगा हाँ मुझे ग्लो आ रहा है, अरे मैंने तो कुछ क्रीम अप्लाई भी नहीं किया फिर भी जो है मेरा स्किन ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है इंटरनली डिटॉक्स हो रही है, उससे आपकी स्किन तो ग्लोइंग बनेगी ही। और ये एक्ने प्रोन स्किन जिसका बहुत ज़्यादा एक्ने का इश्यूज है उसको मैं आज बोल रही हूँ आप 1 वीक तक ये ड्रिंक पीजिए। और दूसरी बात है अपने फेस पे कुछ मत लगाइए, अपने एक्ने से छेड़छाड़ बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क दिखेगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको अपने वीडियो में धीरे धीरे बताऊंगी। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को आप हिट कीजिए। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लो ड्रिंक बनाना। सो गाइस चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ग्लो ड्रिंक बनाना। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है सबसे पहले, जो कि अगर आप ये दोनों इंग्रेडिएंट स्किप भी करते हैं तो आपको ये ज़रूर लेना है, ये है बीटरूट। यस, ये मैंने एक मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया हुआ है, ये आपको चाहिए रहेगा। ये आपके स्किन के लिए बेस्ट है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको अगर मैं ये जो ग्लो ड्रिंक बता रही हूँ इसमें आपको ये बीटरूट ज़रूर लेना है। उसके बाद आपको लेना है ये कैरेट, ये भी मैंने एक मीडियम साइज़ का कैरेट लिया हुआ है। एंड ये एप्पल, यस एक मैंने ये एप्पल भी लिया हुआ है, क्योंकि बोलते हैं ना कि वो 1 apple in a day सो कीप्स डॉक्टर अवे, तो बस वही चीज़ है। तो आपको ये तीनों चीज़ को लेके आपको इसका जूस बनाना है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर में इसे लेके ग्राइंड कर सकते हैं, और इसको विद पल्प लेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बट अगर बहुत लोग होते हैं जो विद पल्प नहीं ले सकते हैं तो आप इसको स्ट्रेन करके भी ले सकते हैं। तो लेकिन अगर गाइस अगर आपको ये दोनों चीज़ नहीं मिल रहा है कैरेट एप्पल, तो भी आपको जो है बीट रूट का जूस एकदम कंपलसरी लेना है। बट अगर इन तीनों को मिला के आप जूस बना के लेते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, आपके स्किन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्स करता है। आपको 1 month में आपकी स्किन बहुत क्लियर दिखेगी, 1 week में आपको फ़र्क दिखने लगेगा, 1 month में आपको एकदम क्लियर स्किन मिल जाएगा। तो आपको ये तीनों कॉम्बिनेशन करके विदाउट स्किप किए लेना है, ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए मैं इसका जूस रेडी कर लेती हूँ। सो गाइस देखिए ये जो ग्लो ड्रिंक है वो रेडी है। जितना सुंदर और रेड ये दिख रहा है उतना ही सुंदर ये आपकी स्किन को बनाता है। अपने जैसा ये रेड जैसा दिख रहा है वैसे आपके चिक्स को भी रेड करता है। सो इसको आपको मॉर्निंग में लेना है, आप नाश्ता से पहले ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट करने के बाद में भी आप ले सकते हैं, बट इसको मॉर्निंग में लीजिए, बहुत हेल्दी होता है ये। और इसमें आप चाहे तो लेमन एंड ब्लैक सॉल्ट जो होता है वो ऐड कर सकते हैं अगर आपको नहीं इसका टेस्ट, वैसे ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका, बट अगर फिर भी आपको थोड़ा इसके टेस्ट को एनहांस करना है तो आप ब्लैक सॉल्ट एंड लेमन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो गाइज इसको आप लीजिए, 1 week में आपको एकदम फर्क दिखाई देगा और 1 month में आपकी स्किन जो है बिल्कुल ग्लोइंग बनेगी। तो चलिए आप इसको एंजॉय कीजिए।
सो गाइज, आप ये जो ड्रिंक है एकदम वन वीक तक बिना स्किप किए लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सूट किया है या नहीं किया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो गाइज, बाय।